दोस्तों सबसे पहले भैया की वीडियो देख लो। आज मैं मेरठ आउटलेट हूँ और भैया 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरठ आउटलेट को ओपन हुए, और भैया 2 साल पहले ओपनिंग में आए थे जी। पहले तो वीडियो में ही फर्क देख लो, वीडियो में कैसे हड्डियों का ढांचा है, बिल्कुल देखो इनकी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर भाई आए हुए हैं, भाई क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। भाई आपका? हरिओम। कहाँ से आए जी आप? मोदीनगर। मोदीनगर से आए हैं, मोदीनगर से भाई आए हैं मेरठ ओपनिंग आउटलेट ओपनिंग पर, अपने आउटलेट की ओपनिंग। भाई कैसा लग रहा है? फैमिली फीलिंग है भाई, कैसे लग रहा है? बिल्कुल अच्छा। और भैया आप 2 साल बाद आए हैं, और भैया पावर मास गिनर लेके गए थे, और इनके जीजा श्री भी आए हैं, इनको तो पहचान ही रहे होंगे, इनको तो भैया किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। गाजियाबाद आउटलेट पर हर बार भैया आते हैं, आज मेरठ भी आए हैं। तो दोस्तों पावर मास गेनर के रिजल्ट क्या होते हैं ये आज आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले दोनों भैया को बहुत स्वागत है जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया नाम आपका? आदित्य कुमार जी। कहाँ से हो? मोदीनगर। मोदीनगर के हैं भैया रहने वाले। और भैया आप बताओ जरा पूरी कहानी, आप कब आए थे यहाँ पर, पहले कितना वजन था, अब कितना वजन है, सारी चीज। पहले मेरा वजन 56 किलो था, अब 74 किलो हो गया है। मतलब 56 से 74, मतलब आप कहना चाह रहे हो जी कितना वजन बढ़ाया जी आपका? 16 किलो वजन बढ़ा है, 16 किलो। भैया कोई नुकसान नहीं? कुछ नहीं। कोई साइड इफेक्ट? कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और आपको सप्लीमेंट्स वाले से किसने जोड़ा था? जीजा जी ने। जी, इनके जीजा जी ने जोड़ा था इनको। मैंने सुना है आप बता रहे थे कि भैया पावर मास गेनर के बाद भी आप कुछ ले चुके हो? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं लिया। अब जी पावर प्लस लिया था। कमाल कर दिया यार, पावर प्लस मसल्स गेनर ले चुके हैं ये, और इनके जीजा जी ले गए थे गाजियाबाद से। ले गए थे भैया गाजियाबाद से? ले गए गाजियाबाद से ले गए थे। साले साहब का बहुत ध्यान रखते हैं, सबको रखना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों अगर आपके भी साले या आपके जीजा या आपके भतीजे या आपका भैया कोई दुबला पतला है, मोटा तगड़ा होना चाह रहा है, कौन सा मास गेनर? पावर प्लस मास गेनर। पावर मास गेनर, उसके बाद मसल्स गेनर। और जीजा जी के साथ ही मैंने एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट वीडियो बनाई थी। हाँ जी बनाई थी, बनाई थी। और आपको क्या रिजल्ट है जी? मुझे तो पूरे रिजल्ट है, पूरे रिजल्ट है इनको भैया को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भैया, आप अपनी वाइफ के लिए लेके गए थे बर्न प्रो, उनको क्या रिजल्ट है? उनको भी जो है उनका भी पहले ले गया था, पहले 7 kg वजन बढ़ा था और अब ले गया था। क्या बोल रहे हो भैया, बर्न प्रो से वजन कम होता है? कोई नहीं, कम हुआ था 7 kg। उसके बाद दोबारा ले गया, उसमें 2 kg कम हुआ, अभी 2 किलो कम हुआ, अभी चल रही है, अभी चल रही है। और भैया ने मुझसे वादा कर रखा है कि पत्नी का जो है वजन कम हो जाएगा। भैया तब कहाँ हो गया? मैं पलवल आऊंगा जी, पलवल आउटलेट स्पेशल आएंगे ये, इनकी जो है धर्म पत्नी के साथ वीडियो बनवाऊंगा। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, मैंने भैया भाभी जी से कह देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी, अगर ये वीडियो देख रही है तो भाभी जी लेडीज वीडियो नहीं बनवाती यार, मैं बहुत परेशान हूँ। लेडीज ले जाती हैं सप्लीमेंट, वीडियो नहीं बनवाती हैं, तो इसलिए जो रिजल्ट वाली वीडियोस हैं वो लेडीज की नहीं बन पाती हैं। तो भैया से तो रिक्वेस्ट है ही, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपका जब वजन कम हो जाए तो आप एक वीडियो जरूर बनवाइएगा, ताकि जो है आपके भी जो है भैया का थोड़ा भला हो जाए। होना चाहिए यार थोड़ा सा तो भला, जब आपका वजन कम हो गया तो हमारा भी भला कर दो, आप एक वीडियो बनवा दो, ताकि और लेडीजों को भी पता लग जाए कि भैया बर्न प्रो के सच में रिजल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आप देख लो, मतलब भैया भी लेते हैं सप्लीमेंट, अपनी धर्मपत्नी को भी दिलाते हैं, अपने साले साहब को भी दिलाते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई ऋतिक, सब मास गेनर की आपने बता दिया, आपका जो है 16 किलो वजन बढ़ा ओवरऑल, और वजन घटा भी नहीं है? नहीं जी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सप्लीमेंट्स वाले तरफ से क्या सपोर्ट रहती है? पूरी फैमिली वाले सपोर्ट रहे भाई जी, मतलब जब आप सप्लीमेंट ले जाते हो तो पूरा डाइट प्लान वगैरह सब कुछ जी, कॉलिंग वगैरह सब आती है जी। तो 5 स्टार में से क्या रेटिंग दोगे आप? 5 स्टार पूरी 5 स्टार रेटिंग देंगे। अगर कोई दुबला पतला है, वजन नहीं बढ़ रहा है और वो चूरन चटनी लेने की सोच रहा है, तो उसको क्या सलाह है? सप्लीमेंट लावे, लोकल चीज ना ले में। लोकल चीज ना ले में। तो भैया मेरा दिल खुश है, 16 किलो इनका वजन बढ़ा है। अच्छा एक चीज और बोलिए यार, देखो कमेंट करेंगे भैया फिर ये बोलने के लिए, भैया मैंने पैसे दिए हैं ना आपके साले भाई ना? कुछ नहीं यार दिए होंगे यार। नहीं फैमिली वाली है फीलिंग। फैमिली वाली फीलिंग है भाई, पैसे नहीं दिए। आप कमेंट करते रहते हो ना, इनके अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, भाई अपने तो हैं ही ये, पर मैं पैसे नहीं दिए इनको, उल्टा इनसे पैसे लिए हैं। भैया हमेशा जब आप आते हो मैं पैसे लेता हूँ ना आपसे। हाँ जी, क्योंकि भैया सामान लेके जाते हैं पैसे लेता हूँ। तो देखो यार मेरा तो डबल फायदा है कि भैया आते भी हैं और भैया से पैसे भी ले लेता हूँ यार। देखो वो तो लेना पड़ेगा, बहुत सारे भैया कहते हैं भैया जब आप फैमिली बोलते हो तो भाई पैसे क्यों लेते हो? भाई ये मेरा काम है, तो वो जरूरी है पैसा, देखो हर चीज़ में जरूरी है, पर आपको प्यार पूरा मिलेगा, सपोर्ट पूरा मिलेगा, सही कह रहा हूँ भैया? तो जुड़िए सप्लीमेंट्स वाला से। तो भैया की इस अचीवमेंट पर, ऋतिक की अचीवमेंट पर, सप्लीमेंट्स विला की तरफ से भैया को इनके जो है जीजा जी की तरह ही बेस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट, यहाँ पर बेस्ट अचीवर मेडल सप्लीमेंट्स विला की तरफ से। यहाँ पर ये सारे गिफ्ट हैं, स्पोर्ट्स शूज वगैरह, BCAA जिम बैग वगैरह, ये सब कुछ गिफ्ट है सप्लीमेंट्स विला की तरफ से। भैया जो लोग आपको पहले देखते थे और आज देखते हैं क्या कहते हैं? लोग कहते हैं बढ़िया लगता है एकदम। बढ़िया लगते हो? हाँ जी, पहले लगते सही नहीं आते थे, ढीले आते थे पहले, अब सही आते हैं भैया, अब सही आते हैं तो अब बढ़िया लगते हैं। और
फर्क आप वीडियोस में देख भी रहे हो भैया। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्स अलग तरफ से आपको मिलेंगे। जब आपका भी वजन बढ़ेगा 16 किलो 20 किलो आपका भी जो है मसल साइज गेन होगा तो ये गिफ्ट्स आपको ही मिलेंगे। तो आइए सप्लीमेंट्स वाला जुड़िए। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो पावर मास गेनर जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। या फिर अगर आप जो है यहाँ रहते हो, देखो ये कितने सारे आउटलेट्स हैं, लखनऊ में आउटलेट है, आगरा में आउटलेट है, लुधियाना में आउटलेट है, अलवर में आउटलेट है, तो जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। और भैया बेटा भी आया, आप भी आओ बेटे, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम बाबू? वंश। तो भैया का नाम वंश है। और जरा देखो सुनो, वंश से तो पूछूंगा ही पूछूंगा, भैया से पूछूंगा जो इनके पापा हैं। वंश जब आप बड़े हो जाओगे, अभी कितने साल के हो? 9। अभी 9 साल के हैं। जब आप हो जाओगे 18 साल के, बड़े हो जाओगे, आप सप्लीमेंट्स कहाँ से लोगे? जहाँ से पापा लेके आते हैं मैं लूंगी। हाँ, जहाँ से पापा लेके आते हैं वहीं से भैया लेंगे। अच्छा भैया, अपने बेटे को जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, अगर आपको सप्लीमेंट लाने पड़े इसको, तो कहाँ से दिलाओ? सप्लीमेंट्स विला से। तो देख लो यहाँ पर एडवांस में कह रहे हैं। और एक और चीज़ आप मुझसे कहते हो, भैया मेरे मम्मी से बात करो, मेरे पापा से बात करो। भैया मैं हर किसी के मम्मी पापा से बात नहीं कर सकता, आप इस चीज़ को समझो। मैं अगर मम्मी पापा से बात करूंगा तो भाई फिर मम्मी पापा से ही बात करता रह जाऊंगा पूरे दिन। पर ये वीडियो आप दिखाओ अपने पेरेंट्स को। सबसे ज्यादा पेरेंट्स विजिट करते हैं सप्लीमेंट्स वाला। ये देखो, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मम्मी आई थी अपने बेटे को लेकर, जिनके बेटे का 8 किलो वजन बढ़ा और वो बहुत खुश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी आई है अपने बेटे को लेकर सप्लीमेंट्स विला। और कौन सा विजिट है माता जी आपका? तीसरा विजिट है इनका सप्लीमेंट्स विला पर। माता जी जब पहले आप आई थी तब बेटा कैसा था आपका? तो बहुत दुबला था। और अब हो गया मोटा तगड़ा? हाँ, मोटा तगड़ा। दिल खुश है आपका? बिल्कुल दिल खुश है। भैया कौन सा मास गेनर लिया था? पावर मास गेनर। कितना वजन बढ़ा? 7 किलो। 7 किलो वजन बढ़ा है। 49 था पहले। हाँ। और अब कितना है? 56। 56 किलो वजन है। दोस्तों ये है रिजल्ट पावर मास गेनर के। अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो। एक पापा आए थे अपने बेटे को लेकर, पर कहते सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन। सर कौन लगते हैं आपके? लड़का है। सर क्या चाहते हैं आप लड़के से? सर लड़के कैसे चाहते हैं जी, ये शरीर इसका बहुत पतला दुबला है जी, और इसी में ये प्रोजेक्ट लेने आया हूँ जी। मतलब थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाए। तो दोस्तों आप भी ये वीडियो दिखाओ पेरेंट्स को। और भैया आप भी मोटा तगड़ा होना चाहते हैं? पापा ही चाहते हैं जी? हम सब चाहते हैं जी, सब चाहते हैं मोटा तगड़ा होना है गर्मियों में। तो पावर मास गेनर का बाल्टा ऑर्डर करना है, 8 से 10 किलो वजन बढ़ेगा। और यहाँ पर गट पावर भी, भूख बढ़ाने के लिए, और क्रिएटिन और एनर्जी प्रो स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। तो 5600 रुपए का बाल्टा है, यहाँ पर 1550 है आपका गट पावर, 1500 क्रिएटिन, 450 का एनर्जी प्रो। सर से मैं पूछूंगा, सर आप यहाँ पे आए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। सर ऐसा तो नहीं ना मैं वीडियो बनाने के लिए आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ? नहीं, हम तो खुद अपनी से आए हैं जी। वीडियो में देखा था ऐसे ही यहाँ पर है। तो आप भी आ जाओ अपने पेरेंट्स को लेकर उनको मास गेनर दिलाने के लिए। एक आगरा आए थे पापा जिनको मास गेनर भिजवाना था अपने बेटे को। तो माँ बाप का नंबर वन विश्वास है सप्लीमेंट्स वाला। यहाँ पर पिताजी स्पेशल आए हैं अपने बच्चे के लिए सप्लीमेंट लेने के लिए। आगरा आउटलेट हूँ और सर जो है दीवानी कोर्ट में काम करते हैं। सर जी मैं दीवानी कोर्ट में यहाँ सामने क्लर्क हूँ जी, और मैं अपने बेटे के लिए ले जा रहा हूँ जी। मुझे पूर्ण विश्वास है जी, ये इसका रिजल्ट बेहद बढ़िया आ रहा है और आएगा। हाँ। और हमेशा आता रहेगा। अच्छा आ रहा है, क्यों बोला इन्होंने? पहले भी ले चुका है बच्चा? जी जी जी, पहले ले चुका हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आया है। उसका फोन आया है मेरे पास जी, पापा जी और भिजवा दो। गाँव में कहा रहे थे? क्या गाँव का नाम? गाँव है हाथरस में, बिसाना गांव। तो देख लो यहाँ पर अपने बच्चे के लिए लेने आए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके माँ बाप के लिए है। आप अपने बच्चों को सप्लीमेंट लेने से मत रोको, बस उसको बोलो कि सप्लीमेंट्स अगर लेगा तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ला। समझो इस चीज को, सबसे ज्यादा पेरेंट्स आते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा भी प्रोटीन लेने की कह रहा है, मास गेनर लेने की कह रहा है, या कोई भी सप्लीमेंट लेने की कह रहा है, या सलाह लेने की कह रहा है, तो आप उसको सीधा सप्लीमेंट्स ला भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हाँ रिजल्ट स्लो आएंगे यार, देखो रिजल्ट फास्ट नहीं होते इन ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के, रिजल्ट स्लो हैं, पर नुकसान कुछ नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए सप्लीमेंट्स वाला जुड़िए और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाइए और अपने बच्चों को भी बताइए कि सप्लीमेंट लेना है तो सीधा सप्लीमेंट्स वाला जा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए अपने बच्चों का, जैसे आप अपने जो है जब स्कूल लेके जाते हैं बच्चे को, या स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप 4 स्कूल विजिट करते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगाते हैं तो 4 टीचर से आप पूछते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, या बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए मंगाते हैं तो 4 जगह पूछते हैं बच्चे की चिल्ली ठीक है नहीं है। पर दोस्तों आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि आप जब आपका बच्चा जिम जाना चाहता है तो आप जिम के बारे में इंक्वायरी नहीं करते। ये चीज़ मैं स्पेशली कहना चाहूँगा क्योंकि आजकल दिल्ली NCR में बहुत ही गंदा ट्रेंड चला हुआ है। 90% जिम के अंदर स्टीरॉयड लिया जा रहा है, चाहे तो डायरेक्ट, चाहे जानबूझ के, चाहे अनजाने में। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी शिकार बन जाए। तो इसलिए जिम चाहे अपने बच्चे को 500 रुपये वाला लगवाओ या 5000 वाला लगवाओ,
अपने बच्चे को जिम लगाने से पहले उस जिम को देख कर आओ, उसमें घूम कर आओ, पूछ कर आओ वहाँ पर ट्रेनर से, ऑनर से, कि भैया आपके जिम में स्टीरॉयड तो नहीं चलते, पूरी इंक्वायरी करो, तब बच्चे का जिम लगवाओ। ऐसे ही हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे ही ज़्यादा फंसते हैं ये स्टीरॉयड के चक्कर में और जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में। अगर आपका बच्चा एक बार 2-3 साल जिम चला गया, फिर वो सारी चीज़ समझ जाएगा, फिर वो फंसेगा नहीं, पर स्टार्टिंग में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए स्कूल देखते हो, ट्यूशन देखते हो, खाने पीने की चीज़ देखते हो, जिम भी देखना स्टार्ट करो, और जुड़ो सप्लीमेंट्स विला से। नमस्कार।